أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر 11 رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کی زبان پر. ایلہ کے رہنے والوں نے جب سیما کا اُلنگھن کیا اور سنیچر کے دن شکار نہ کرنے کا جو حکم تھا اس کی اوہیلنا کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بددعا فرمائی تو وہ بندروں اور سوروں کی صورت میں کر دیے گئے. اور مائدہ والوں نے جب آسمان سے اتری نعمتیں کھانے کے بعد کفر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کی تو وہ سور اور بندر ہو گئے اور ان کی سنکھیا 5000 تھی. جمل وغیرہ. کچھ مفسروں کا کہنا ہے کہ یہودی اپنے پوروجوں پر گرو کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں. اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان نبیوں نے ان پر لعنت کی ہے.
एक कॉल यह है कि हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशखबरी दी और हुजूर पर ईमान न लाने और कुफ्र करने वालों पर लानत की। ये लानत बदला उनकी नाफरमानी और सरकशी का, जो बुरी बात करते, आपस में एक दूसरे को न रोकते, जरूर बहुत ही बुरे काम करते थे। आयत से साबित हुआ कि बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और बुराई को मना करने से रुका रहना सख्त गुनाह है। तिर्मिजी की हदीस में है कि जब बनी इसराइल गुनाहों में गिरफ्तार हुए तो उनके उल्मा ने पहले तो उन्हें मना किया, जब वो न माने तो फिर वो उल्मा भी उनसे मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उनके साथ शामिल हो गए। उनके इस गुनाह और जिद का यह नतीजा हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से उन पर लानत उतारी। उनमें तुम बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती करते हैं, क्या ही बुरी चीज अपने लिए खुद आगे भेजी, यह कि अल्लाह का उन पर गजब प्रकोप हुआ और वो अजाब में हमेशा रहेंगे। इस आयत से साबित हुआ कि काफिरों से दोस्ती और उनके साथ रिश्तेदारी हराम और अल्लाह ताला के गजब का कारण है, और अगर वो ईमान लाते सच्चाई और मोहब्बत के साथ बगैर दोगली प्रवृत्ति के अल्लाह और नबी पर और उस पर जो उनकी तरफ उतरा, तो काफिरों से दोस्ती न करते। इससे साबित हुआ कि मुशरिकों के साथ दोस्ती और सहयोग दोगली प्रवृत्ति की निशानी है, मगर उनमें तो बहुतेरे फासिक दुराचारी हैं। जरूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे, और जरूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते थे हम नसारा ईसाई हैं। इस आयत में उनकी प्रशंसा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर रहे और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत मालूम होने पर हुजूर पर ईमान ले आए। इस्लाम की शुरुआत में जब कुरैश के काफिरों ने मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी तो सहाबाए किराम में से 11 मर्द और 4 औरतों ने हुजूर के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। इन मुहाजिरों के नाम ये हैं: हजरत उस्मान और उनकी जौजे ताहिरा, हजरत रुकैया दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत अबू हुजैफा और बीवी हजरत सहला बिनते सुहैल, और हजरत मुसब बिन उमैर, हजरत अबू सलमा और उनकी बीवी हजरत उम्मे सलमा बिनते उमैया, हजरत उस्मान बिन मतऊन, हजरत आमिर बिन रबिया और उनकी बीवी हजरत लैला बिनते अबी खसीमा, हजरत हातिब बिन अम्र, हजरत सुहैल बिन बैदा रदी अल्लाहु अन्हु। ये हजरात नबुव्वत के 5वें साल रजब मास में दरिया का सफर करके हबशा पहुंचे। इस हिजरत को हिजरते उला कहते हैं। उनके बाद हजरत जफर बिन अबी तालिब गए और फिर मुसलमान रवाना होते रहे, यहां तक कि बच्चों और औरतों के अलावा मुहाजिरों की तादाद 82 मर्दों तक पहुंच गई। जब कुरैश को इस हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने एक जमात तोहफे वगैरह लेकर नजाशी बादशाह के पास भेजी। उन लोगों ने शाही दरबार में जाकर बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क में एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है और लोगों को नादान बना डाला है। उनकी जमात जो आपके मुल्क में आई है वह यहाँ फसाद फैलाएगी और आपकी रियाया को बागी बनाएगी। हम आपको खबर देने के लिए आए हैं और हमारी कौम दरख्वास्त करती है कि आप उन्हें हमारे हवाले कीजिए। नजाशी बादशाह ने कहा हम उन लोगों से बात कर ले। यह कहकर मुसलमानों को तलब किया और उनसे पूछा कि तुम हजरत ईसा और उनकी वालिदा के हक में क्या अकीदा रखते हो। हजरत जफर बिन अबी तालिब ने फरमाया कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल और कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह है, और हजरत मरियम कुंबारी पाक हैं। यह सुनकर नजाशी ने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर कहा खुदा की कसम तुम्हारे आका ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम में इतना भी नहीं बढ़ाया जितनी यह लकड़ी, यानी हुजूर का इरशाद हजरत ईसा के कलाम के बिल्कुल अनुकूल है। यह देखकर मक्के के मुशरिकों के चेहरे उतर गए। फिर नजाशी ने कुरान शरीफ सुनने की ख्वाहिश की, हजरत जफर ने सूरह मरियम तिलावत की। उस वक्त दरबार में ईसाई आलिम और दरवेश मौजूद थे। कुरान करीम सुनकर वे इख्तियार रोने लगे। नजाशी ने मुसलमानों से कहा तुम्हारे लिए मेरी सल्तनत में कोई खतरा नहीं। मक्के के मुशरिक नाकाम फिरे और मुसलमान नजाशी के पास बहुत इज्जत और आसाइश के साथ रहे, और अल्लाह के फजल से नजाशी को ईमान की दौलत हासिल हुई। इस घटना के बारे में यह आयत उतरी।
यह इसलिए कि उनमें आलिम और दरवेश महात्मा हैं और ये घमंड नहीं करते। इससे साबित हुआ कि इल्म हासिल करना और अहंकार और घमंड छोड़ देना बहुत काम आने वाली चीजें हैं और इनकी बदौलत हिदायत नसीब होती है। सातवां पारा व इजासनी सूरह माईदा जारी। और जब सुनते हैं वह जो रसूल की तरफ उतरा यानी कुरान शरीफ, उनकी आंखें देखो कि आंसुओं से उबल रही हैं। यह उनके दिल की रिक्कत का बयान है कि कुरान करीम के दिल पर असर करने वाली बातें सुनकर रो पड़ते हैं। चुनाचे नजाशी बादशाह की दरख्वास्त पर हजरत जफर ने उसके दरबार में सूरह मरियम और सूरह तौहा की आयतें पढ़कर सुनाई तो नजाशी बादशाह और उसके दरबारी, जिनमें उसकी कौम के उलमा मौजूद थे, सब फूट फूट कर रोने लगे। इसी तरह नजाशी की कौम के 70 आदमी जो सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे, हुजूर से सूरह यासीन सुनकर बहुत रोए, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हमने उनके सच्चे होने की गवाही दी, तो हमें हक के गवाहों में लिख ले और सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल कर, जो कयामत के दिन सारी उम्मतों के गवाह होंगे। ये उन्हें इंजील से मालूम हो चुका था। और हमें क्या हुआ कि हम ईमान न लाए अल्लाह पर और उस हक पर कि हमारे पास आया, और हम तमा लालच करते हैं कि हमें हमारा रब नेक लोगों के साथ दाखिल करे। जब हबशा का प्रतिनिधि मंडल इस्लाम अपना कर वापस हुआ तो यहूदियों ने उस पर मलामत की। उसके जवाब में उन्होंने यह कहा कि सच्चाई साफ हो गई तो हम क्यों ईमान न लाते, यानी ऐसी हालत में ईमान न लाना मलामत की बात है न कि ईमान लाना, क्योंकि यह दोनों जगत में भलाई का कारण है। तो अल्लाह ने उनके इस कहने के बदले उन्हें बाग दिए जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा उनमें रहेंगे। यह बदला है नेकों का जो सच्चाई और दिल की गहराई के साथ ईमान लाएं और सच्चाई का इकरार करें। और वो जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतें झुठलाई, वो हैं दोजख वाले। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।